सामने चढ़िए, मेहमान आसान में जाइए आप लोग, आ जाओ भाई, मैं तो कमेटी पूरा भी मालूम है। हेलो रेक्सेट, अरे पीछे हटियो भाई, प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या मेरे को आप? भाई थोड़ा पीछे तशरीफ़ फरमा दर से त्यादम मुस्तमी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब शफीर भुजानी साहब और दीगर कायदीन बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों, आज का जो मौका है इस मेमन कॉलोनी की जो संग बुनियाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से रखाया गया है, और साहब आने से पहले जिस तरीके से शफीर भुजानी साहब इस कॉम्प्लेक्स के डिटेल्स रखे हैं, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में बरकत दे और अच्छा काम और हो सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हलाई मेमन जमात के सदर मोहतरम जनाब शफीर भुजानी साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे मजलिसी रुफा और मुकामी पुलिस के इंस्पेक्टर साहब, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, यकीनन ये बड़ी खुशी का मौका है कि आज हलाई मेमन जमात की तरफ से यहाँ पर मेमन अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें शफीर साहब ने बताया कि इंशाल्लाह 40 यहाँ पर फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स यहाँ पर तामीर होंगे, और इंशाल्लाह ताला ये 18 से 18 महीने के अंदर ये काम तकमील को पहुँचेगा। और ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो कीमत एक अपार्टमेंट और फ्लैट की आपकी हलाई मेमन जमात की तरफ से इसको मुकर्रर किया गया है वो बहुत कम है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि इससे हलाई मेमन जमात के तमाम जिम्मेदारों को एक बहुत बड़ा इनको फ़ायदा हासिल होगा। और मेरा जो सियासी ज़िंदगी का जो कम तजुर्बा है वो मुझसे कहता है कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या दलित हो, इनमें गरीबी का सबसे बड़ा जो सबब बनता है, दो चीज़ें बनती हैं, एक ये कि अगर कोई शख्स उस ख़ानदान में बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए इतना पैसा मौजूदा दौर में खर्च होता है कि वो ख़ानदान मफरूज हो जाता है, और दूसरा जो गरीबी का हमेशा बाइस बनता है वो है कि किसी के पास अपना ज़ाती घर नहीं होना, क्योंकि मौजूदा दौर में आप जानते हैं कि किसी भी फ्लैट या अपार्टमेंट या घर का किराया बहुत ज़्यादा होता है, और इससे होता यह है कि जो ख़ानदान एक घर का या फ्लैट का किराया अदा करता है तो इनकी ज़िंदगी के जो दूसरी अहम ज़रूरियात है उसमें उनके पास पैसा खर्चने के लिए बहुत पैसा कम रहता है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हमारे शफीर भुजानी साहब, उनके ज़िम्मेदारान और आप तमाम, अल्लाह आपको एक बेहतरीन मौका इनायत फरमा रहा है कि आप एक नए काम करने जा रहे हैं, और यकीनन जो हलाई मेमन जमात के जो लोग यहाँ पर रहेंगे यकीनन उनके लिए एक वो अपार्टमेंट एक बाईज रहमत भी बनेगा, और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत से मसले मसाइल का हल भी होगा। और मेरी नेक तमन्नाएं आप तमाम के साथ हैं
اور حیدرآباد اور سرزمین دکن کو حلائی میمن جماعت پر فخر ہے کہ آپ کی جماعت نے آپ کے ذمہ داروں نے تجارت میں جو نام پیدا کیا الحمدللہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. جس زمانے میں لوگ خاص طور سے مسلمان طبقے میں تجارت سے بہت دور تھے اس زمانے میں آپ کے بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا اس کام کو انجام دیا اور آج بھی الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور ایمانداری اور تمام تقوی کے ساتھ آپ لوگ اس کام کو جاری رکھیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے اور جس طرح آپ کے بزرگوں نے محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کیا آپ ان بزرگوں کے نام کو اپنے زندہ رکھیں گے اور اسی طرح جد و جہد اور محنت کرتے رہیں گے. اور یہ جو کام آج یہاں پر ہو رہا ہے میں اپنی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے آپ کو اپنا تعاون پیش کرتا ہوں اور ہماری دعائیں یہی ہے کہ جلد سے جلد آپ یہ کام کو تکمیل کر سکیں. میں پھر سے آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں.